महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता की नज़र दो प्रमुख गठबंधनों महाविकास आघाड़ी और महायुति पर टिकी हुई है। दोनों ही गुट जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने अपने मुद्दे और नीतियों के आधार पर मैदान में है। हालांकि इस बार जनता के बीच दो अलग अलग राय देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ लोग महायुति को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, जबकि अन्य का रुझान महाविकास आघाड़ी की ओर ज्यादा है। 2024 विधानसभा चुनाव में बढ़ता MBA का प्रभाव। 2024 के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के प्रति जनता का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुका है और जनता का भरोसा जीतने में सफल रहा है। शिंदे सरकार की नीतियों से जनता में असंतोष। शिंदे सरकार पर आरोप है कि उसकी नीतियां जनता की अपेक्षाओं के बजाय भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई। इस दृष्टिकोण के कारण जनता में असंतोष बढ़ा और परिणाम स्वरूप महाविकास आघाड़ी ने पिछले चुनाव में कई सीटें जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। महायुति पर फूट डालने का आरोप। जनता के हिस्से का मानना है कि महायुति की नीतियां सामाजिक समरसता के बजाय विभाजनकारी रही। शिवसेना और NCP में हुए विभाजन इसके उदाहरण है, जिससे इन दलों के कई कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा पर पुनर्विचार किया है। MBA की जोड़ने वाली नीतियों को समर्थन। चुनाव के इस दौर में जनता का एक बड़ा वर्ग उन नीतियों का समर्थन कर रहा है जो विकास और सामाजिक एकता पर केंद्रित है। महाविकास आघाड़ी की जोड़ने की नीतियों को इसी कारण से जन समर्थन मिल रहा है। जनता की आवाज में गूंजता MBA का समर्थन। इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के समर्थन में एक नारा उभर कर आ रहा है, जनता की आवाज MBA पर विश्वास। जनता का समर्थन MBA को मजबूती देने के साथ साथ विकास और उन्नति के संदेश को आगे बढ़ाने का संकेत देता है। इस तरह 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में जनता का रुझान MBA की ओर झुका हुआ दिखाई देता है, जबकि महायुति को इस बार जनता के मन में उत्पन्न असमंजस का सामना करना पड़ सकता है।